शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस राहु की महादशा के क्या लक्षण है? बुरे सपने आना, किसी छाया का दिखाई देना, किसी आवाज का सुनाई देना, बिना कोई पाप किए भी पाप भूत का आभास होना, भ्रम और संशय के कारण मानसिक संतुलन का बिगड़ना, ये सब राहु की महादशा के लक्षण है तुलसी। जिसने तुम्हें अपने विश्वास, अपनी भक्ति और धर्म पूर्वक लड़ना होगा। पर प्रभु, हमें तो राहु के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं। उनकी शक्ति, उनका स्वभाव, उनके जीवन का था कुछ भी नहीं। तुलसी, इसलिए आज मैं तुम्हें और संसार को राहु की वो कथा बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर संसार का हर व्यक्ति राहु की महादशा से लड़ सकता है। इससे अधिक प्रसन्नता की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। बताइए प्रभु, हमें राहु की संपूर्ण कथा बताइए। तुलसी, राहु समुद्र मंथन से पूर्व स्वर्भानु नाम का शक्तिशाली असुर था, जो राजा बलि का सेनापति था। समुद्र मंथन में जब अमृत की प्राप्ति हुई और मैं देवों को अमृत पान करा रहा था, तब देवों का वेश धरकर वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ गया। पर अमृत पीते ही उसका भेद खुल गया और उसका अंत करने के लिए मैंने उस पर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। मत करो मेरे हाथ, मत करो, मत करो, मत मारो मुझे। प्रभु, सुदर्शन चक्र ने तो स्वर भानु का अंत कर दिया था, तो फिर राहु केतु कैसे बने? मेरे चक्र चलाने से पूर्व स्वर भानु अमृत की एक बूंद पी चुका था, और जो अमृत की एक बूंद भी पी ले, उसका शरीर नष्ट नहीं होता। यही स्वर भानु के साथ हुआ था। तुलसी, तुलसी, स्वर भानु युगों तक उस वन में पड़ा हुआ अपनी सहायता के लिए लोगों को पुकारता रहा, पर उसकी सहायता किसी ने नहीं की। पर फिर एक दिन उसी वन से असुर गुरु शुक्राचार्य गुजर रहे थे। असुरों के प्रति उनकी संवेदना थी, इसलिए स्वर भानु के कटे शीश और धड़ को अपने आश्रम ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। पर असुर गुरु शंकराचार्य से असुरों के सेनापति स्वर भानु की ये दुर्दशा देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने घोर तप कर स्वर भानु की सहायता के लिए ब्रह्मदेव को पुकारा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, दर्शन दीजिए, ब्रह्मदेव दर्शन दीजिए। राम ब्रह्मदेव, आप संपूर्ण सृष्टि के पिता, फिर भी असुरों के साथ यह भेदभाव आप देख रहे हैं? शुक्राचार्य, यह सृष्टि कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना भी पड़ता है। इसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर स्वर भानु एक त्रिशंकु का जीवन क्यों जी रहा है? उसने भी तो देवताओं की भांति अमृत पान किया था, किंतु आज ना वह जीवित है ना अमृत है। असुर गुरु, आप चाहते क्या है? आप परम पिता हैं ब्रह्मदेव, इसलिए आपको स्वर भानु के साथ न्याय करना ही होगा। ब्रह्मदेव, मैं नारायण के दिए हुए दंड को वापस तो नहीं ले सकता, किंतु यदि कोई अपनी इच्छा से स्वर भानु को अपना पूर्ण शरीर दे सके, यदि उसके सर को आधार और देह को सिर प्राप्त हो सके, तो मैं निश्चित ही उसे दो भिन्न भिन्न रूपों में पुनः जीवित कर सकता हूं। जो आज्ञा ब्रह्मदेव, मैं आपके दिखाए हुए मार्ग के अनुसार उसे पूर्ण करने के लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, ताकि धर्म पूर्वक स्वर भानु का जीवन प्राप्त हो सके। प्रभु, ब्रह्मदेव की आज्ञा अनुसार स्वर भानु के कटे शीश को लेकर संपूर्ण संसार की यात्रा की, पर कोई भी स्वर भानु को अपना शरीर देने को तत्पर नहीं था। पर ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि स्वर भानु एक असुर था और
और एक असुर को शरीर दान करने का अधर्म कोई नहीं करना चाहता था। फिर क्या हुआ? तब हर ओर से निराश हो शुक्राचार्य फिर से ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव, आप चाहते ही नहीं कि स्वर भानु के साथ न्याय हो, क्योंकि मैंने संपूर्ण सृष्टि में ढूंढ लिया, कोई ऐसा नहीं है जो अपना पूर्ण शरीर स्वर भानु को दे सके। जबकि शिवपुत्र गणेश का सर्व छेदन जब हुआ था, तब सभी देवताओं ने अपनी इच्छा अनुसार उन्हें गज मस्तक प्रदान किया था और उन्हें संसार का सर्वप्रथम देवता स्थापित किया था ब्रह्मदेव। वो इसलिए क्योंकि गजानन के साथ जो घटना घटी भी उसमें उनका कोई दोष नहीं था। कर्तव्य का पालन करते हुए उनका सर विच्छेद हुआ था। तो ब्रह्मदेव, क्या स्वर भानु का जीवित करने का और कोई मार्ग नहीं है? शुक्राचार्य, स्वर भानु की प्रवृत्ति अधर्म की है, उसका मन छल से भरा हुआ है, इसलिए उसे किसी मनुष्य या देवता का शीश नहीं अपितु किसी ऐसे पशु का शीश प्राप्त हो सकता है जो उसके अधर्म, पाप और प्रतिशोध से भरे हुए विष को सहन कर सके। इसका अर्थ यह है कि कोई विषधर सर्प ही स्वर भानु का आधार बन सकता है। प्रभु, तो क्या स्वर भानु के कटे हुए शीश को किसी सर्प का आधार मिला? हाँ तुलसी, परंतु प्रतिशोध की अग्नि में चलते हुए सर्प का आधार। कौन था वो सर्प और किस प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था वो? तुलसी, शुक्राचार्य वर्षों तक ऐसे प्राणी को खोजते रहे जिसके शरीर का दोनों भाग राहु को प्राप्त हो सके, और उनकी ये खोज पूरी हुई पुलिक नामक विषधर सर्प से मिलकर, जिसके संपूर्ण परिवार को गरुड़ ने नष्ट कर दिया था और गरुड़ कुलिक का भी अंत कर देना चाहता था, ताकि सर्प कुलिक आने वाले समय में संसार में किसी का कोई हित ना कर सके। गरुड़ और कुलिक के मध्य भयानक युद्ध हुआ। गरुड़ कुलिक को भस्म करने ही वाला था कि तभी असुर गुरु शुक्राचार्य वहां आ पहुंचे। उन्होंने ना केवल कुलिक की रक्षा की अपितु अपनी तप शक्ति से गरुड़ को वहाँ से जाने को भी विवश कर दिया। प्रणाम असुर गुरु। कल्याण हो असुर गुरु, मेरी जीवन रक्षा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जब तक वो गरुण जीवित है तब तक हम सर्प सुरक्षित नहीं। आज तो आपने मेरी रक्षा कर दी, परंतु भविष्य में हमारी रक्षा कौन करेगा देवों के उस वाहन से? कुलिक, तुम चाहो तो देवताओं से स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हो और अपने साथ हुए अत्याचारों का देवताओं को दंड भी दे सकते हो, अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले सकते हो। बोलो कलिक, क्या तुम देवताओं से अपना प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो? उन्हें न केवल आज अपितु हर काल हर युग में उन्हें दंडित करने के लिए उत्सुक हो? प्रभु, सर्प कुलिक ने क्या निर्णय लिया था? तुलसी, जब प्रतिशोध की भावना प्रबल हो तो मनुष्य हो या सर्प, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमारू टीवी पर।